खुटिया पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीणों ने दिए 500 आवेदन। आपकी सरकार आपके द्वार आपका अधिकार कार्यक्रम के तहत धुरकी प्रखंड क्षेत्र के खुटिया पंचायत सचिवालय में मंगलवार को SDM आलोक कुमार, अंचल अधिकारी प्रकाश कुमार, BDO रोशन कुमार व मुखिया लक्ष्मण यादव ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान SDM ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जुटे आम जनों को संबोधित करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से 100% लाभान्वित कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। SDM ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए यह भी कहा है कि किसी भी ग्रामीण को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के नाम पर कोई भी बिचौलिया या उनके सरकारी कर्मी रिश्वत या पैसों की मांग करते हैं तो बेहिचक ग्रामीण उनसे मिलकर शिकायत कर सकते हैं, वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। SDM ने यह भी कहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसलिए कराया जा रहा है कि वैसे अंतिम कतार के ग्रामीण जो कभी प्रखंड या अंचल में अपना कोई भी कार्य नहीं करा सके हैं तथा उन्हें यह लगता है कि अधिकारी प्रखंड कार्यालय में उनकी नहीं सुनते हैं, तो यह कार्यक्रम वैसे लोगों को भी प्राथमिकता देते हुए सरकार ने आयोजित कराया है। वहीं इसके बाद SDM ने डोर टू डोर सभी विभाग के स्टॉल पर घूम घूम कर ग्रामीणों के द्वारा मिले हुए आवेदन को स्वयं सत्यापन भी कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू हो रहे थे। वहीं मुखिया लक्ष्मण यादव ने ग्रामीणों को अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से संबंधित आवेदन तैयार कर संबंधित विभाग के स्टॉल तक पहुंचाया जा रहा था। मुखिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में उनके पंचायत के विभिन्न गांव से आए ग्रामीणों के द्वारा कुल 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दौरान पूर्व BDC इसराइल खान, राजस्व उप निरीक्षक शशिकांत विश्वकर्मा, विकास कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनरेगा के प्रभारी BPO चंद्रशेखर चौबे, 15वें वित्त के BPM जितेंद्र कुमार, JSLPS के अंजनी कुमार, पंचायत सेवक छवि सिंह के अलावा सभी प्रखंड सह अंचल कर्मी उपस्थित थे। पहला वो भी इसमें है कि आपके अधिकार, सरकार आपको कुछ अधिकार देती है जिसका जो सरकार चाहती है कि आप लोगों तक पहुंचे, तो इस कार्यक्रम के पीछे सरकार का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरकार अपने नागरिकों को अधिकार देती है इसकी जानकारी नागरिकों को हो। और दूसरा रीजन ये है, दूसरा कारण यह है कि बहुत हमें ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो कार्यालय नहीं पहुंच पाते, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि आपकी सरकार आपके पास, हम लोग आपके पंचायत में आके आपकी समस्याओं को सुनेंगे। और जो सरकार योजनाएं चला रही है, परियोजनाएं चला रही है, उसमें लोगों को कैसे लाभ मिल सके, अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका लाभ दिलाया जा सके, यही मेन उद्देश्य है।